वो तो जो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेंडर है बीच वाला पोर्शन और अगल बगल हेमी स्पेयर है तो यहाँ पर सबसे पहले आप रेडियस निकालेंगे रेडियस डायमीटर सेवन दिया हुआ है तो रेडियस हो जाएगी सेवन बाई टू सेंटीमीटर लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना होगा तो ये सेवन आप देख सकते हैं यहाँ पे सेवन बाई टू थ्री पॉइंट फाइव होगा ये भी थ्री पॉइंट फाइव होगा और टोटल नाइनटीन है अगर हम नाइन्टीन में दो बार सेवन पॉइंट फाइव सेवन बाई टू माइनस कर दें यानी थ्री पॉइंट फाइव दो बार तो यहाँ पर हमें सिलेंडर वाले पार्ट की हाइट पता चल जाएगी अब अगर आप वॉल्यूम निकालना है तो यहाँ पर फार्मूला क्या यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडरिकल पार्ट बीच वाला प्लस दो गुणे वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेयर पाई आर स्क्वायर एच प्लस टू इंटू टू बाई थ्री पाई आर क्यूब हो जाएगा यहाँ पर आप सारी वैल्यू रख देंगे और रेडियस सेवन बाई टू लेंगे जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा सिक्स फोर वन पॉइंट सिक्स सेवन सेंटीमीटर क्यूब अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है जो कि इक्वल होगा कब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के प्लस टू इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्पेयर तो टू पाई आर एच और टू इंटू टू पाई आर स्क्वायर बच्चों टू पाई आर कॉमन ले लेंगे एच प्लस टू आर बचेगा ब्रैकेट में यहाँ पर आप सारी वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से फोर वन एट सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपको टोटल सरफेस एरिया मिलेगा वेट आपको निकालना है वेट में आप क्या करेंगे वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करा देंगे फोर से क्योंकि एक सेंटीमीटर क्यूब का वेट फोर पॉइंट फाइव दिया है जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा टू एट एट सेवन पॉइंट फाइव ग्राम लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज आर सेंटीमीटर द एरिया ऑफ सेक्शन मेड बाय मिनट हैंड इन वन मिनट विल बी बच्चों यहां पर मिनट हैंड कंप्लीट वन रेवल्यूशन वन आर आर सिक्सटी मिनट तो मिनट हैंड एक मिनट में कितना एंगल बनाएगा वन बाई सिक्सटी रेवोल्यूशन लगाएगा कितने चक्कर लगाएगा एरिया ऑफ सेक्शन मेड बाई मिनट हैंड तो पाई आर स्क्वायर और अपॉन में सिक्सटी क्योंकि मिनट हैंड मूव इन वन मिनट तो वन बाई सिक्सटी रेवोल्यूशन और एरिया ऑफ सेक्शन तो पाई आर स्क्वायर बाई सिक्सटी कर देंगे तो जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही आंसर इसका होगा ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब इन अ क्वाड्रेंट पी बी ओ क्यू एक क्वाड्रेंट के अंदर स्क्वायर बना हुआ है और स्क्वायर की हर एक साइड आपको बीस दी गई है फाइंड एरिया ऑफ शेड रीजन इसका एरिया आपको फाइंड करना है जबकि पाई की वैल्यू आप इस्तेमाल कर सकते हैं थ्री पॉइंट वन फोर बच्चों ध्यान दें ओ बी होगा स्क्वायर का जो कि रेडियस होगी क्वाड्रेंट की तो ओ बी कैसे निकालेंगे ओ बी के लिए फार्मूला होगा ओ ए इंटू रूट टू यानी ट्वेंटी रूट टू सेंटीमीटर ये आपने डायगनल यानी कि रेडियस फाइंड आउट कर ली जो कि स्क्वायर की, की डायगनल है और क्वाड्रेंट की रेडियस है या आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का भी इस्तेमाल करके रेडियस निकाल सकते हैं बच्चों एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा साइड स्क्वायर यानी ट्वेंटी ट्वेंटी तो फोर हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा तो पाई आर स्क्वायर बाई फोर होता है तो यहाँ वन बाई फोर पाई की जगह थ्री पॉइंट वन फोर और आर की जगह ट्वेंटी रूट टू का होल स्क्वायर रखेंगे जो कि सॉल्व करने पर आपको मिलेगा सिक्स ट्वेंटी एट सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा क्वाड्रेंट के एरिया में माइनस कर देंगे स्क्वायर का एरिया तो ये आ जाएगा टू टू एट सेंटीमीटर स्क्वायर यही फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम सिक्सटी फोर सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइन एंड टू एंड फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब आर्ट देखिए आपको छोटे वाले क्यूब की साइड निकालनी होगी तो एज ऑफ क्यूब इज इक्वल होगा क्यूब रूट ऑफ सिक्सटी फोर तो यहाँ से साइड आ जाएगी फोर सेंटीमीटर अब दो क्यूब को अगर हम जोड़ के सटा के रख दें तो लेंथ हो जाएगी फोर प्लस फोर यानी एट सेंटीमीटर और ब्रेथ वही रहेगी फोर सेंटीमीटर हाइट भी वही रहेगी फोर सेंटीमीटर और दो क्यूब को मिलाने से बन जाएगा क्यूबाइड तो सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला आप लगाएंगे टू एल बी बी एच और एच एल सारी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे एल की जगह एट बी की जगह फोर और एच की जगह फोर सॉल्व तो करने पर आएगा वन सिक्सटी सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का सॉलिड इज इन फॉर्म ऑफ कॉन माउंटेड ऑन अ हेमिसफेयर विद सेम रेडियस इफ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन आपको ये फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ हेमिसफेयर रेडियस ऑफ कोन के इक्वल है हमने सपोज कर लिया दोनों आर हैं और हाइट ऑफ कोन को एच सपोज कर लिया बच्चों आपसे कहा गया है सरफेस एरिया ऑफ हेमिसफेयर इक्वल है सरफेस एरिया ऑफ कोन तो टू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल पाई आर एल बच्चों पाई पाई कैंसिल हो जाएगा टू आर इज इक्वल बचेगा एल आर आर भी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आप टू आर इज इक्वल एल की वैल्यू रख सकते हैं अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर कर लिया तो फोर आर स्क्वायर इज इक्वल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यहाँ से आपको मिलेगा थ्री आर स्क्वायर इज इक्वल एच स्क्वायर बच्चों यहाँ पे आप आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर लेंगे तो इज इक्वल में आएगा वन बाई थ्री स्क्वायर हटाएंगे तो उस साइड में रूप लग जाएगा यानी आर और एच का जो रेशियो है वो वन रेशियो रूट थ्री होगा ये फाइनल आंसर बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है